वेलकम टू सबूरी किचन। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही डिलीशियस आटा मैंगो जैम केक बनाएंगे। गेहूं के आटे और आम से बना हुआ बहुत ही पौष्टिक है। मैंगो जैम और मैंगो पीसेस से इसको डेकोरेट करेंगे। इसका स्वाद बहुत ही अमेजिंग होता है। आइसिंग बहुत कम यूज़ करेंगे, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो बनाना शुरू करते हैं। मैंगो केक बनाएंगे, इसके लिए जिस बर्तन में बनाना है उसको ग्रीस कर लेते हैं। इसमें बटर पेपर लगाएंगे, ऊपर से फिर ग्रीस कर लेंगे ताकि केक नीचे से चिपके ना, डार्क भी ना हो और आसानी से बर्तन से निकल जाए। मैंगो केक बनाने के लिए हमें चाहिए मलाई आधा कप, गेहूं का आटा एक कप, दूध एक कप, एक आम के छोटे टुकड़े, शक्कर आधा कप, घी 1/4 कप। इनको पीस लेंगे। इसके लिए मिक्सी जार में आम के टुकड़े डालेंगे और साथ ही शक्कर भी डालेंगे। दोनों को बारीक पीस लेंगे। इस तरह से मैंगो प्यूरी तैयार करेंगे और एक बोल में प्यूरी को निकालेंगे। प्यूरी में मलाई, घी, दूध सभी को डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। करने के लिए कोई भी बीटर या किसी भी चम्मच का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारा मिक्सचर स्मूथ हो गया है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके आटा मिलाएंगे। आटा डालकर मिक्स करते जाएंगे, एक साथ मिलाएंगे तो लम्स आ जाएंगे। अब मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो गया है, बैटर की तरह तैयार हो गया है। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, ज़्यादा पतला भी नहीं है। बैटर में 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच सोडा मिलाएंगे। इससे केक बहुत ही स्पॉन्जी बनेगा, अच्छे से बेक भी हो जाएगा। केक के लिए बिल्कुल स्मूथ बैटर बन गया है। बैटर को ग्रीस किए हुए कंटेनर में डालेंगे। कंटेनर को टैप कर लेंगे ताकि जो भी एयर बबल होंगे वो निकल जाएंगे। अब 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट तक केक को बेक कर लेंगे। अब मैंगो जैम तैयार करेंगे। एक पैन में 1/2 कप पानी और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालकर दोनों को मिलाएंगे। अब 2 आम की प्यूरी मिलाएंगे, सभी को मिक्स करेंगे, फ्लेम शुरू करेंगे और पकाएंगे। थोड़ा पकने पर 1/2 कप शक्कर मिलाएंगे और मिक्स करेंगे। मिक्सचर को करीब 8-10 मिनट तक पकाएंगे, चलाते रहेंगे ताकि नीचे से तली में ना चिपके। मिक्सचर गाढ़े होने लगा है, मैंगो जैम भी बन गया है। मैंगो जैम को एक बोल में निकालेंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे। केक को मैंगो जैम और मैंगो पीसेस से डेकोरेट करेंगे। एक छोटा सा टूल है, इससे आम को कट करेंगे। बहुत ही सुंदर और एक ही साइज के टुकड़े कट हो जाएंगे। देखिए, बहुत ही प्यारे आम के टुकड़े हैं, देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। छोटी बॉल की तरह दिख रहे हैं। इन आम के टुकड़ों को साइड में रखेंगे। केक अब ठंडा हो गया है। कंटेनर में से केक निकालेंगे। इसमें जो बटर पेपर है उसको भी निकालेंगे। केक के ऊपर मैंगो जैम लगाएंगे और साइड में भी चारों तरफ जैम लगाकर केक को कवर करेंगे। मैंगो जैम खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, तो केक भी बहुत टेस्टी बनेगा। ऊपर से जैम की लेयर को स्मूथ करेंगे और चारों तरफ भी इसी तरह से चारों साइड्स को स्मूथ करेंगे। वाइट बटर आइसिंग है, इससे केक के ऊपर डिजाइन बनाएंगे। ऊपर की साइड चारों तरफ सुंदर सी बॉर्डर बनाएंगे। बटर आइसिंग का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आम के सुंदर से टुकड़े जो कट किए थे उन्हें ऊपर थोड़ी थोड़ी दूर पर रखकर केक को सजाएंगे। केक के साइड में भी आइसिंग से डिजाइन बनाएंगे। देखिए, बहुत ही डिलीशियस आटा मैंगो जैम केक बन गया है। बहुत ही न्यूट्रिशियस है।
बहुत ही सॉफ्ट और सुंदर सा मैंगो केक बना है। आप भी जरूर बनाइए, सभी को खिलाइए। वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।